वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का, क्योंकि जल्दी जल्दी बन के रीच करना है। टुडे आई हैव क्रिएटेड दिस लुक एंड आई एम लाइकिंग इट। मेरा कर्ली बहुत ज़्यादा कर्ली वाला है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेट जाने लगा है। यू कैन इग्नोर दिस बट मैं इसको छोड़ो एंड यू कैन सी द मेकअप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पहली बार मैंने रेड लिपस्टिक्स कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल में लगाया है एंड ये वाला मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ही ज़्यादा स्लीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यू कैन सी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो बिना मेकअप वाला थोबरा देख लो मेरा, इसका तो मेरा वॉन्ड बहुत ही खराब आया था, जैसे कि तुम लोगों को पर्पल हॉल में दिख ही गया होगा। तो आई एम टेकिंग इट अपने दोनों हाथ के बीच में, अच्छे से उसे मल के थोड़ा सा वॉर्म कर दूंगी, उसके बाद अपने फेस पे अच्छी तरीके से लगाऊंगी। ऐसे ही तुम्हें लगाना है क्योंकि मैं सिखा रही हूँ और तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, डैप 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 करके लगाओ। और लिप में लिप बाम जो कि है लिनेज का, अच्छे तरीके से अपने लिप को मॉइस्चराइज करो। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमिंग हाइलाइटर। ये तुम्हारा बेस को बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्लोई बनाता है। तो आई एम टेकिंग टू पम्प्स, ठीक है, इन माई हैंड एंड उसको पहले अच्छे से रब करूंगी ताकि वो थोड़ा वार्म हो जाए। और मतलब वार्म कर लेना चाहिए तुम्हारा कोई भी मेकअप प्रोडक्ट को ताकि सही से वो ब्लेंड हो। अच्छे से ब्लेंड, ये बहुत ही अच्छा मेकअप बेस है। डोंट फॉरगेट योर नेक, कभी मत भूलो अपने नेक को, यू कैन सी द शाइन। उसके बाद मैं कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ NYB का अपने स्पॉट्स को छुपाने के लिए। मैं अब मेरा मिनीसू का ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ एंड आई विल ब्लेंड इट। नाउ आई विल यूज मेरा सुपर स्टे मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन जो कि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है। यहाँ पे लूँगी और उसको वार्म करूँगी। अब ये थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा बट वो सेट होने के बाद ठीक हो जाएगा क्योंकि ये फाउंडेशन थोड़ा ऑक्सीडाइज होता है। एंड माई बेस इज डन, मेरा बेस मतलब बस मेरा फाउंडेशन हुआ, अभी मैं इसे सेट करूंगी। ये थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा क्योंकि देखो ऑब्वियसली वाइट लग रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये वाला फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता तो मैंने एक शेड लाइटर ही खरीदा। और मैं गाइड करूंगी कि तुम लोग भी एक शेड लाइटर ही खरीदो क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा और फिर वो तुम्हारे शेड का हो जाएगा, तो डोंट वरी फॉर डैट। उसके बाद मैं लूंगी मेरा मेबलिन का फिट मी पाउडर, मतलब लूज पाउडर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लूज पाउडर है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ले रही हूँ अपने पैन में थोड़ा सा, मतलब ये वाले में, एंड मैं थोड़ा सा बेक करूँगी क्योंकि गर्मी है और मेरा स्किन ऑयली है तो बेकिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारा स्किन ऑयली है तो। बेकिंग का मतलब होता है पाउडर को वहाँ पे लगा के छोड़ना ताकि तुम्हारा जो है ऑयल जब प्रोड्यूस हो वो उतना प्रोड्यूस नहीं हो। तुम्हारा हमेशा ऐसे करके करो ताकि तुम्हारा यहाँ पे फाइन लाइंस नहीं बने, तुम्हारा जो पाउडर है वो कंट्रोल कर ले तुम्हारा ऑयल। तो अच्छे तरीके से बेक करो अगर तुम्हारा स्किन ऑयली है तो चलो अब तुमने बेक कर लिया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर अपने सुंदर सुंदर आईब्रोज को फिल करने के लिए। तो मैं अच्छे तरीके से अपना इधर वाला ब्राउज फिल करूँगी। देखो थोड़ा थोड़ा उस गैप रहता है तो उसको फिल कर लोगे तो अच्छा लगता है देखने में, तो दैट्स इट, ऑब्वियसली अच्छा लगना है तुमको। उसी तरीके से मैं जादूगर बन के इधर भी फिल कर लूँगी, तुम्हें दिख रहा होगा एंड आई हैव डन फिलिंग। उसके बाद मैं वैक्स लूँगी वो जो ऑलरेडी उसमें रहता है ताकि तुम्हारा, और स्पूली की हेल्प से अपना आईब्रोज को सेट कर लूँगी ताकि तुम्हारा जो आईब्रोज है वो हिले डुले नहीं, अपना वो तुम्हारा आईब्रोज एक जगह सेट रह जाए। दोनों आईब्रोज को मैं कर लूँगी एंड इट्स डन, जादू तो हो गया, मैंने कर दिया क्योंकि मैं हूँ जादूगर। अभी मैं एक्सेस पाउडर हटा रही हूँ अपने फेस पे से, जितना भी मैंने बेकिंग किया था जब तो मैंने हटा लिया अभी पूरा पाउडर। देखो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर रह जाता है तो उसको अपने फेस पे ब्लेंड कर लो अगर वो मतलब हटाने के बाद जो पाउडर रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। देखो मैं भूल गई थी स्विस ब्यूटी का कंसीलर पहले मेरे को लेना चाहिए था सेटिंग करने से पहले, जब तो मैं बेस सेट करते हो उससे पहले तुमको कंसीलिंग कर लेना चाहिए, बट मैं भूल गई थी तो क्या हो गया भाई, इंसान ही हूँ ना।
तो मैं उसे, अब तुमको तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कंसीलर पहले लगाना है, उसके बाद बेकिंग करना है या फिर सेट करना है तुम्हारा बेस को। उसके बाद मैं मिनीसो का ब्लेंडर लेके अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, एंड हेयर इट इज़, मेरा ब्लेंड हो गया। ब्लेंड करने में थोड़ा मशक्क़त लगेगा क्योंकि मैंने बाद में किया था, मतलब सेटिंग करने के बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, इसलिए मुझे थोड़ा मशक्कत लग रहा था। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का पैलेट। अभी मैं दो लाइटेस्ट शेड लूँगी अपने क्रीज में लाइन करने, मतलब क्रीज में प्लेस करने के लिए। अच्छे तरीके से मैं दोनों क्रीज में प्लेस करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी उसको अच्छे तरीके से दोनों आईज़ में। भाई देखो, ब्लेंडिंग इज़ द की, जब तक तुम अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं करोगे ताकि तक तब तक तुम्हारा बहुत गंदा लगेगा, पैची पैची लगेगा। अभी मैं मेरा फर्स्ट आई शेडो पैलेट जो मैंने लिया था पहले वेटन वाइल्ड का, सबसे पहला मेरा आई शेडो पैलेट है वो, उसमें थोड़ा सा ऑरेंजिस शेड लूँगी और उसको एक्स्ट्रा डैप ऑफ करूँगी अपने हैंड्स पे लेके। एंड उसके बाद अपने पूरे पूरे जो भी होता है ना, ये पूरे आईलिड में प्लेस कर दूंगी, दोनों आईलिड्स में मेरा प्लेस हो गया, बहुत ही सिंपल। उसके बाद मैं ले रही हूँ जेल लाइनर। चलो मैं ऑन कैमरा नहीं करना था क्योंकि बहुत मशक्कत हो रहा था करने में, एंड मैंने कर लिया। देखो जादू हो गया ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग गया है क्योंकि वो जेल लाइनर थोड़ा सूख गया था इसीलिए, तो कोई बात नहीं, होता है। अभी मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्रश अपने लोअर लैश लाइन को स्मज आउट करने के लिए, वही ऑरेंज ऑरेंज शेड लेके मैं अपना लोअर लैश लाइन को स्मज आउट करूंगी। स्मज आउट इसीलिए करते हैं लोअर लैश लाइन को क्योंकि तुम्हारा जो ऊपर का आइज है और नीचे का आइज है वो अच्छा लगे देखने में, वो मतलब अजीब अजीब नहीं लगे। अगर तुम नीचे का आई लैश जो है लोअर लाइन्स उसको तुम स्मज आउट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं मेरा बेस्ट काजल ले रही हूँ, प्लम का काजल। देखो थोड़ा अगर तुम्हारा बजट है तो दिस काजल इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बहुत इसका ना पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा सही है। अच्छी तरीके से मैं अप्लाई करूँगी दोनों आँख में, बहुत ही सुंदर इफेक्ट देता है ये वाला काजल। एक स्वाइप में एप्लीकेशन होता है, बट मैं थोड़ा, मेरे को थोड़ा डार्क चाहिए तो थोड़ा सा डार्क, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मारे जा रही हूँ स्वाइप्स, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है काजल का स्वाइप्स मारना है। एंड हेयर इट इज, दोनों हो गया। फिर मैं वापस से थोड़ा सा, मेरे को कम लग रहा था लोअर लैश लाइन में वो वाला आई शेडो, तो मैं वापस से लेको। देखो तुम्हें कमी नहीं करना है, अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, तुम्हारा ही मेकअप प्रोडक्ट है, किसी का और का तुमने थोड़ी लिया। अभी मैं अपना फेस को, चबी चबी फेस को एकदम चिजल बनाऊंगी, चिजल का, ओ शिट इंग्लिश बोल दिया मैंने, चिजल बनाऊंगी जिसका मतलब होता है स्लिम बनाऊंगी, ऐसे थ्री करके अपने। अभी मैंने लिया था NYV का कॉन्टोर स्टिक, जिससे मैं अपने फेस में थ्री शेप बनाऊंगी ताकि वो मेरे को मतलब आइडिया मिल जाए कि मेरे को कॉन्टोर कहाँ पे करना है। बेसिकली अपने फोरहेड्स को देखो, अगर तुम्हारा फोरहेड एकदम ईटा के धरा है, मतलब मेरे धरा, मतलब वो क्या बोलते हैं उससे, फोरहेड चौरा है, तो फिर वहाँ पे भी तुम्हें करना पड़ता है। मेरा उतना चौरा नहीं है बट है थोड़ा, तो इसलिए मेरे को वहाँ पे भी कॉन्टोर करना था। और नाक को भी पतला तो दिखाना है ना, तो नाक को भी तुम कर लो अपना, जहाँ देखो यहाँ यहाँ लगाते ऐसे करके अप्लाई कर लो, अच्छे तरीके से टाइम लेके अप्लाई करो, एंड नीचे की ओर ब्लेंड करो, ऊपर की ओर कभी ब्लेंड नहीं करना होता है। उसे अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से नीचे की ओर ब्लेंड करो, एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग इज द की। जब तक तुम अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बेस अच्छा नहीं रहेगा। अच्छे तरीके से टाइम लो और ब्लेंड करो। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ, मतलब ये वाला कैसे नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है तुम्हें। अभी चलो नाक पे आते हैं। मेरा वो वाला ब्लेंडर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इसलिए मिनीसो का पतला वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया अपने नाक को ब्लेंड करने के लिए और पतला दिखाने के लिए, और तो मैं दिख ही रहा होगा डिफरेंस। अभी मैं वापस से थोड़ा सा अपना वो क्या बोलते हैं चिन चिन एरिया को ब्लेंड, मतलब वहाँ पे कॉन्टोर डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि थोड़ा कम है, इसलिए मैं वापस वहाँ पे थोड़ा सा और करूँगी कॉन्टोरिंग, मतलब प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी और उसके बाद कॉन्टोर करूँगी नीचे की ओर, ताकि मेरा जो जॉ लाइन कह लो उसे, जॉ लाइन पूरा एकदम औसम दिखे। मेरा एक तरफ ऐसा ही दिखता है, तो कांट कांट कुछ कर नहीं सकते हैं उसका। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्राउन्जर पैलेट। ये ब्लश पैलेट बेसिकली होता है, जिसका सबसे डार्क वाला शेड उसको बोलते हैं ब्राउन्जर पैलेट। ये शेड नंबर 5 था आई थिंक, मैं डाल दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं यहाँ पे अपना ब्रॉन्ज कर रही हूँ फेस। देखो कॉन्टोर के बाद ब्रॉन्जिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा फेस थोड़ा सा और डायमेंशन में दिखता है। अभी मेरा फेस पूरा डायमेंशन में दिख रहा होगा, तुम कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग इसीलिए करते हैं ताकि ताकि तुम्हारा जो फाउंडेशन अप्लाई होता है, बेस अप्लाई करता है, वो तुम्हारा तुम्हारा जो होता है फेस को पूरा पूरा वो बना देता है, उसको क्या बोल लो इंग्लिश में मेरे को नहीं पता, अभी चपटा बोल लो, मतलब पूरा इक्वल बना लेता है, ठीक है।
तो फिर उसको डायमेंशन देने के लिए तुम्हें ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग की हेल्प करता है, ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग। और मैं सिखा रही, तो तुमको सीखना पड़ेगा, चुपचाप से सीखो। और अभी मैंने नोज़ को भी ब्लेंड कर लिया, एंड यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है। हियर इट इज़, माई ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग इज़ डन। थोड़ा सा मैं जॉ लाइन अपना वो करूँगी, फ्लॉन्ट करूँगी, क्योंकि जो जो है नहीं असली में, लेकिन मेकअप से आ जाता है। व्हाट अ जोक। फिर से मैं अपना ये वाला ब्राउन शेड ले रही हूँ, वही वाला पैलेट से, उससे मैं क्या करूँगी तो मैं दिख जाएगा। मैं उस पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है। हाँ, तो अभी मैं कर रही हूँ वो क्या बोलते हैं उसे, स्मज आउट। वो जो मैंने जेल लाइनर लगाया था उसके ऊपर ब्राउन आई शेडो लगाऊंगी, ताकि वो जो जेल लाइनर का वो होता है मतलब कंसिस्टेंसी नहीं, लॉन्जिविटी बढ़ जाए। देखो, अगर तुम कोई भी जेल लाइनर के ऊपर अगर तुम ब्लैक आई शेडो या फिर ब्राउन डार्क आई शेडो, डार्क ब्राउन आई शेडो लगा दोगे ना, तो फिर तुम्हारा जो जेल लाइनर का वो होता है, लॉन्जिविटी होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। मतलब जब तक तुम अपना मुंह नहीं धोओगे तब तक हटेगा नहीं। अब वैसे भी नहीं होता है, हटता है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया वैसे करके, एंड डन। अभी मेरे पास पीच ब्लश नहीं था, दीपिका ने पीच ब्लश लगाया था, तो मैं ले रही हूँ अपना SFR का पैलेट, जिसमें थोड़ा सा पीचिश ब्रश है। और मैं थोड़ा सा ना एप्पल ऑफ द चीक से नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर उठा के कर रही हूँ, ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगे, क्योंकि दीपिका का फेस पूरा लिफ्टेड था, एंड उसका तो फेस है ही बहुत, मतलब तो इग्नोर करते हैं। हमारा जैसा है वैसा ही नहीं रहेगा। और मेरा ये वाला लुक करने का यही मकसद था कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि वैसे कैसे करते हैं, ना कि मेरे को दीपिका की तरह बनना था, बन भी नहीं सकते, छोड़ो उसको। अभी मैं ले रही हूँ लॉरियल पैराडाइज का मस्कारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। उसका एक्सेस मैं निकाल रही हूँ अच्छे तरीके से। अपने कोई भी मस्कारा का एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दिया करो, उसके बाद ही अपने मस्कारा को यूज़ किया करो, अच्छे से टाइम लो निकालने के लिए, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कैसे तुम्हारा एक मस्करा तुम्हारा आंखों को खोल सकता है। तो मस्करा इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। तो मैं जादू से दूसरे तरफ वाला भी मस्करा लगा लिया, क्योंकि मैं हूँ ही जादूगर, एंड माई मस्करा इज जब मेरे यहाँ काफ़ी सुंदर है, उसको इग्नोर कर दो। अभी मैं ले रही हूँ सोस ब्यूटी का लिप लाइनर। देखो, मैं लिप लाइन बेसिकली नहीं करती हूँ, बट करती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, एंड माई लिप लाइनिंग इज डन। अभी मैं लूँगी मेबलिन का रेड लिपस्टिक, जो इसका शेड मेरे को अच्छे से याद है, ऑब्वियसली 20 पियोनीर इसका शेड था, मैंने इतना खरीदा है इसे, मतलब जिसने भी मेरे से पूछा उसके लिए मैंने ये वाला लिपस्टिक खरीदा है। तो मैं यहाँ पे ब्रश से इसीलिए अप्लाई कर रही हूँ। देखो, ब्रश से होता है क्या है बेसिकली, क्योंकि भाई मेरे मैं प्रोफेशनल हूँ, अच्छा अच्छा प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ, तो फिर ब्रश से होता है क्या है, तुम्हारा जो लिपस्टिक होता है वो ना बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, और फिर इधर उधर नहीं जाता है। इट इज डन जादू से। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, उसे मैं अच्छे तरीके से शेक करूंगी पहले, उसके बाद चिक 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 अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। उसके बाद आएगा मेरा फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट स्टेप, जो कि तुम लोगों को पता ही है, हाइलाइटिंग का। उससे पहले मैं सुखा लूंगी इसे। हेयर इट इज, मेरा मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। ये तो टूट चुका है, दिल भी टूट चुका है, हाइलाइटर भी टूट चुका है। तो पहले मैं हाइलाइटर को प्लेस करूंगी अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं एक फैन ब्रश लूंगी, उसके बाद हाइलाइटर में डिप करूंगी, एंड हेयर इट इज मैं अप्लाई करूंगी अच्छे तरीके से अपने अपने चीक्स पे, जहाँ जहाँ हाइएस्ट पॉइंट्स होता है तुम्हारे फेस का, उसको इन्हेंस करने के लिए बेसिकली हाइलाइटर अप्लाई होता है। तो मैं दोनों चीक्स पे लगाऊंगी, नोज पे लगाऊंगी, हेयर इट इज़ अच्छे तरीके से अप्लाई करो, ताकि तुम एकदम डिस्को बॉल की तरह चमको, बहुत ही सेक्सी लोगो। एंड अपने आईब्रोज को के नीचे भी लगाया जाता है, उसके बाद अपने नोज पे लगाऊंगी, थोड़ा सा क्यूपिड्स बो पे भी लगाऊंगी, एंड हेयर इट इज़ जहाँ पे तुमको लग रहा थोड़ा कम है तो और लगा लो भाई, तुम्हारा ही प्रोडक्ट है, तुमको क्या टेंशन है, अच्छे तरीके से लगाओ, एंड डन। चलो फिर मिलते हैं, नहीं रुको और थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लो भाई, इतना चमक चमक रही हूँ, और चमकना है। ओ हाँ, थोड़ा सा अपने कॉलर बोन्स बोल लो, उसको कॉलर बोन्स में भी लगाओ, कॉलर बोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पूरा बॉडी चमकाना है भाई, जो जो एरिया दिख रहा है वहाँ वहाँ हाइलाइटर लगाओ, ठीक है। चलो अब मिलते हैं। देखो, ये वाला मेरा टॉप इतना सा था, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। अभी मैंने अपना बाल खोल लिया है, उसके बाद मैं देखो क्लीन गर्ल लुक था इसका यहाँ पे दीपिका का, उसके लिए मैं लूँगी एलोवेरा जेल, जो कि था मेरा खादी कंपनी का। तो उसके लिए मैं देखो मेरा मेरा बाल तो वैसे नहीं है, मेरा बाल तो बहुत कर लिए, तो उसको वैसे करने के लिए, मतलब वैसा हेयर स्टाइल पाने के लिए मैं अपने बाल में, तब तक के लिए मैं
मेरी मम्मी आ चुकी थी और उसने मेरे को प्रोटीन शेक पिला दिया, तो मैं प्रोटीन पी रही हूँ। ये भी देखो देखो, इसलिए मैंने ये वाला क्लिप नहीं काटा देखो, क्योंकि देखो लिपस्टिक नहीं हटा, तभी भी मैंने जब मेरे प्रोटीन वोटीन पिया तभी भी लिपस्टिक नहीं हटा, इसलिए मैंने ये वाला क्लिप नहीं काटा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना टेल कॉम लेके अच्छे तरीके से अपना बाल वहाँ पर चिपका दूंगी, चिपकेगा नहीं अच्छे तरीके से लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी चिपकाने की, क्योंकि मेरा बाल तुम लोग को पता ही कितना ज़्यादा कर लिया। अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। हाँ देख लो कितना सुंदर सा लुक आ रहा है, जहाँ जहाँ तुम्हारा बाल लग रहा है तुमको कि अजीब हो रहा है वहाँ वहाँ वापस से एलोवेरा जेल लगा लो। आई डोंट यूज हेयर जेल वगैरह, एलोवेरा जेल लगा लो। दिस इज माई कम्प्लीट लुक गाइस, आई होप ये वाला लुक तुम लोग को अच्छा लगा होगा। एंड चलो थोड़ा क्लोजअप्स देख लो। Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there. You were never there. Hey. तो दिस इज माई कम्प्लीट लुक गाइज, एंड आई होप तुम लोगों को ये वाला लुक अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तुम लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। एंड कौन सा मैं नेक्स्ट लुक रिक्रिएट करूँ, एक कियारा आडवाणी का मेकअप लुक है, आई विल क्रिएट दैट। उसके बाद मैं कौन सा रिक्रिएट करूँ मेरे को भेजो, जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पर भेजो। एंड अगर नए हो इस चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और तुम्हें क्या क्या चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं जल्दी लाने का कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।